आज की वीडियो में हम जानेंगे HDFC स्काई बैंक में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट बनाते हो तो आपको इसमें कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, जिसमें इसमें AMC चार्ज कितना लगेगा, अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लगेगा, ब्रोकरेज चार्जेस, वो इंट्राडे डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर आपको कितना चार्ज देना होगा। तो इस वीडियो में हम टोटली एक्सप्लेन करने वाले हैं, और अगर इसमें कुछ फ्री है तो कितने टाइम तक है। तो सभी आपको देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हो कि चार्जेस जो है ब्रोकरेज चार्जेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रोकरेज इक्विटी में डिलीवरी ऑर्डर आपको 20 रुपया पर ऑर्डर आपको देना होता है, जिसमें अगर लोअर बोलेंगे तो 2.5% रहने वाला है। इंट्राडे ऑर्डर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 रुपया पर ऑर्डर इसमें भी आपको चार्जेस लगने वाला है। ब्रोकरेज डायरिवेटिव्स में बात करेंगे तो आपको फ्यूचर इंट्राडे में आपको 20 रुपया और यहाँ पर 2.5% विच ओवर लॉ यहाँ पर आपको चार्ज लगने वाला है। डायरिवेटिव फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड में आपको 20 रुपया और यहाँ पर 2.5% जो है वो यहाँ पर लोअर चार्ज लगने वाला है। डायरिवेटिव ऑप्शन इंट्राडे में आप बात करेंगे तो 20 रुपया यहाँ पर आपको पर ऑर्डर चार्ज देना होता है। डायरिवेटिव ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर इसमें भी चार्ज लगने वाला है। अगर बात करते हैं ब्रोकरेज करेंसी के बारे में तो करेंसी फ्यूचर इंट्राडे में आपको 20 रुपया और 2.5% लोअर चार्ज आपको देना होता है पर ऑर्डर पर। वहीं बात करते हैं करेंसी फ्यूचर एंड कैरी फॉरवर्ड पर तो आपको 20 रुपया और 2.5% लोअर चार्ज आपको देना होता है। वहीं बात करते हैं करेंसी ऑप्शन इंट्राडे तो आपको 20 रुपया पर ऑर्डर आपको चार्ज लगेगा, और करेंसी ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर चार्ज लगने वाला है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर ब्रोकरेज कमोडिटी की तो आप कमोडिटी फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड में 20 रुपया और यहाँ पर 2.5% सेम चार्ज रहने वाला है। कमोडिटी फ्यूचर इंट्राडे का भी सेम चार्ज वही रहने वाला है। और कमोडिटी ऑप्शंस की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर देना है और कमोडिटी ऑप्शन इंट्राडे में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर चार्ज लगने वाला है। वही बात करते हैं ब्रोकरेज और अदर चार्ज की तो RMS SQ अप एडिशनल चार्ज है वो आपको 20 रुपया प्लस यहाँ पर आपको 2.5% लोअर चार्ज लगने वाला है। अगर आप बात करेंगे ETF इंट्राडे की तो वो भी सेम रेट ही रहेगा, और ETF डिलीवरी की बात करेंगे तो उसमें भी आपको 20 रुपया और 2.5% लोअर चार्ज देना होता है। अभी हम जानेंगे मार्जिन के बारे में, मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। तो मार्जिन ट्रेडिंग में आप देख सकते हो कि आपको कितना चार्ज लगने वाला है। तो आप इंटरेस्ट ऑफ MTF प्रोडक्ट की बात करें तो 12% उस पर आपको लगेगा टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन अगेंस्ट कोटेरियल फॉर डायरिवेटिव्स में आपको 12% आपको इधर भी चार्ज लगने वाला है। वहीं आप बात करेंगे डीमैट के बारे में तो आप डीमैट चार्ज आप देख सकते हो, अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। वहीं अगर डिमोनेटाइजेशन चार्ज की बात करें तो 50 रुपया शेयर सर्टिफिकेट प्लस कुरियर चार्ज अलग से लगने वाला है। प्लेस इनवोकेशन की बात करें तो 20 रुपया पर ऑर्डर लगेगा, और इंट्राडे ऑर्डर में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर देना है। वही बात करते हैं डीमैट AMC चार्ज की तो 20 रुपया पर मंथ आपको चार्ज लगने वाला है, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको फ्री मिल जाएगा, और सेकेंड ईयर से मानेंगे तो 240 प्लस यहाँ पर आपको 18% GST चार्ज लगने वाला है। वही बात करते हैं डीमैट ट्रांजैक्शन चार्ज की तो 20 रुपया पर ऑर्डर आपको देना है। अब बात करते हैं अदर चार्जेस के बारे में तो आप अदर चार्जेस में देख सकते हो कि इक्विटी डिलीवरी यहाँ पर STT चार्ज है वो आपको 0.1% बाई सेल दोनों साइड देना है। इक्विटी इंट्राडे STT चार्ज है आपको 0.025% सेल साइड आपको चार्ज लगेगा। फ्यूचर STT चार्ज जो है 0.02% ऑन सेल साइड चार्ज लगेगा। वहीं आप जानेंगे यहाँ पर ऑप्शंस STT के तो वो आपको 0.01% आपको चार्ज लगने वाला है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीमियम वालों के लिए सेल साइड रखा हुआ है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हो इंटरडे ट्रांजेक्शन चार्ज है वो यहाँ पर NSE का रखा हुआ है 0.00297, BSE का रखा हुआ है 0.00375%। वही बात करते हैं डिलीवरी ट्रांजेक्शन चार्ज की तो NSE का सेम रहेगा और BSE का भी सेम रहने वाला है। फ्यूचर ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो NSE आपको यहाँ पर 0.00173% रहेगा, तो BSE आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो NSE का जो चार्ज है वो यहाँ पर आपको 0.03503% यहाँ पर प्रीमियम वालों के लिए रहेगा, और BSE में आपको 0.0325% रहने वाला है। बात करते हैं सेबी चार्जेस की तो इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे में आपको 10 रुपया पर करोड़ आपको चार्ज लगने वाला है। वहीं पर फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें तो आपको 10 रुपया पर करोड़ इसमें भी चार्ज लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो डिलीवरी इंट्राडे में आपको यहाँ पर 0.015% यहाँ पर आपको बाई साइड देना है डिलीवरी में, और इंट्राडे में वही चार्ज 0.003% बाई साइड देना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो 0.002% आपको बाई साइड लगने वाला फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में आपको 0.003% बाई साइड रहेगा। और GST की बात करें तो डिलीवरी GST है वो आपको 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस सेवी चार्ज पर आपको चार्ज लगने वाला है। इंट्राडे में GST की बात करें तो 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस सेवी चार्ज आपको इसमें भी लगने वाला है।
डीमेट चार्ज की बात करें और अदर चार्ज की बात करें तो आप देख सकते हो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट में आपको 20 रुपये पर कॉन्टैक्ट नोट और कुरियर चार्ज अलग से लगने वाला है। पेमेंट गेटवे चार्ज आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो UPI फ्री है और उसके बाद नेट बैंकिंग भी इसमें फ्री मिल जाएगा। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करें तो 20 रुपया यहाँ पर आपको कॉल पर देना होगा, चार्ज पर कॉल पर। और US पेमेंट चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइल्ड फंड एडिशनल $5 ओनली फॉर फर्स्ट टाइम आपको $5 देना है और उसके बाद आप देख सकते हो कि विड्रॉ है वो $10 से ज़्यादा ही कर सकते हो, उससे कम नहीं कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम टोटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।